नेक्स्ट ड्रग इज यूहिम्बिन। इसका थेरेप्यूटिक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। आपकी जो यूहिम्बिन है दैट इज एक्टिंग ऑन दी अल्फा टू रिसेप्टर्स, ये अल्फा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। यूहिम्बिन का सोर्स क्या है, दैट इज दी बार्क ऑफ द यूहिम्बी ट्री। अब जी दिस इज यूज एज द सेक्शुअल स्टिमुलेंट, दिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कैसे, बिकॉज आपको पता है कि ये अल्फा टू रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, अल्फा टू रिसेप्टर वर दी ऑटो रिसेप्टर्स। इसने क्या किया कि ऑटो रिसेप्टर्स की जब एक्टिवेशन होती थी तो मेरे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता था, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होती थी। मेरे इस ड्रग ने यूहिम्बिन ने क्या किया, अल्फा टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, देर इज़ नो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नाउ देर विल बी द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से देर आर दी सेक्शुअल स्टिमुलेशन एंड दी यू कैन देर विल बी दी इरेक्टाइल इरेक्शन होगी। सो यू कैन यूज दिस ड्रग एज अ सेक्शुअल स्टिमुलेंट, यू कैन यूज दिस ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, सो जी इसका जो यूज़ है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। वाई दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इसकी एफिकेसी अभी तक इज नॉट क्लियर। ठीक है, यूहिम्बिन जो है आपके सी एन एस को क्रॉस कर सकती है इस लेवल पे, दिस एट द लेवल ऑफ द सी एन एस इट विल इंक्रीज द सिंपथेटिक आउटफ्लो। योर ड्रग इज दिस यूहिम्बिन, योर ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, साइकेट्रिक कंडीशन एंड इन द रीनल डिसफंक्शन।